अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शर्जील गोट फार्म की तरफ से मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब अरशाद। आज जिस मौजू को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि जानवरों के लिए सर्दियों में ख़ास किस्म का स्पेशल वंडा जो है मिक्स वंडा वो इस्तेमाल किया जाता है, और उस वंडे में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि जानवरों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हों और जानवरों को सर्दी से महफूज रखें और जानवरों के हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हों। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारी इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बकरों के हवाले से तो आप हमारा गोट फार्म वज़ीराबाद विज़िट भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03034779594। इसके अलावा आप बकरों की ऑनलाइन सेल परचेज़ के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपको कहीं पर भी किसी शादी ब्याह फंक्शन या हकीका के मौका पर आपको बकरों का या छतरों की ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुनासिब कीमत में बकरे छतरे मिल जाएंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जल्दी से इस वंडे की तफसीलात आपको बताता हूँ जी। तो ये वंडा वो वंडा है जो मैं अपने जानवरों के लिए ख़ास तौर पे सर्दियों में इस्तेमाल करता हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद वंडा है जिससे मेरे जानवर जो हैं वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और सर्दी से बचे रहते हैं। उनका हाजमा बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है जिससे वो सारा दिन पानी पीते रहते हैं। और पानी की अक्सर आपको पता है सर्दियों के अंदर जानवरों में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि सर्दी की वजह से जानवर पानी पीना छोड़ देता है। तो मेरे जानवर माशाल्लाह सारा दिन पानी पीते रहते हैं और मैं पानी पीने के लिए खास किस्म का बनाता हूँ। गर्म पानी होता है, कावा टाइप पानी मैं माशाल्लाह सर्दियों में वही इस्तेमाल करता हूँ जिसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो मैं उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो बताने का मकसद यह है कि यह वंडा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जानवरों के लिए, ख़ास तौर पे सर्दियों में। इसकी तस्वीर बहुत गर्म होती है और जानवर को ये जो वंडा है ये सर्दी से महफूज रखता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे कुदरती अज्जा हैं, सारे के सारे नेचुरल हैं। कोई भी इसके अंदर केमिकल या कोई मिलावटी ऐसी कोई केमिकली इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि जानवरों के लिए नुकसान का बायस हो। तो ये इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मकई, इसके बाद इसमें गंदम है, इसके बाद इसमें काला चना है, गंदम, मकई, और इसके अलावा बाजरा है, सूड़ी है, दाल चना है, और खल है, गुड़ भी डाला गया हुआ है इसके अंदर, और एक और चीज़ मेरे जहन से निकल गया। तो ये माशाल्लाह ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको भी गिनवाए हैं ये सारे के सारे कुदरती हैं, नेचुरल हैं। इसमें कोई भी कोई ऐसी मिलावटी चीज़ नहीं है जो कि केमिकली चीज़ नहीं है जो कि जानवरों के लिए नुकसान का बायस हो। तो ये खिलाने से माशाल्लाह जानवरों के अंदर जो है वो एक तरह से उनकी जो है वो ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ रेट जो है वो दूसरी वंडे की नस्बत इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और इसको खिलाने से जानवरों के अंदर जो सर्दी का एक असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके जानवर का बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल नहीं हो रहा है, अगर आपका जानवर ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर लो हो गया, बाहर आउटर टेम्परेचर उसका लो, अगर आप उसकी ज़बान पर हाथ रखें उसकी ज़बान भी ठंडी है, तो आप उसको ये वंडा का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपके जानवर का बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंटरनल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो उसका जो वो सर्दी का असर है वो इस वंडे से ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको खिलाना कैसे है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, मैं अपने जानवरों के लिए ये जो वंडा है मैं उनको ऐसे नहीं डाल देता जैसे ये आपके सामने पड़ा हुआ है। मैं बकायदा इसको फर्दर जो है इसको मैं मिक्स करता हूँ। किस चीज़ के अंदर मिक्स करता हूँ, मैं तूड़ी लेता हूँ। अगर मैं 1 किलो ये ले रहा हूँ, वंडा ले रहा हूँ, तो मैं उसमें 1 किलो जो है वो तूड़ी का इस्तेमाल करता हूँ और मैं उस तूड़ी को भी थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो पाउडर टाइप होता है वो आटा बारीक सा हो गया होता है, वो जानवरों के नाक के अंदर चला जाता है जो कि उनके लिए फ्लू का बायस बनता है, खांसी का बायस बनता है। इसलिए आप भी कोशिश किया करें अपने जानवरों के लिए जो वंडा है उसको भिगो के इस्तेमाल करें जानवरों के लिए। और इसके साथ मैं फिर ये वंडे के अंदर वो तूड़ी मिक्स करता हूँ और थोड़े से मैं टेस्ट के लिए पट्ठे भी ऐड कर देता हूँ, और इसके साथ मैं गीली रोटी
रोटियां जो है वो भी मिक्स कर देता हूँ। गीली रोटियों का आपको बहुत ज़्यादा ये जो है जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है उसका, तो वो भी आप इस्तेमाल किया करें जानवरों के लिए। माशाल्लाह जानवरों का फरवा जो है वो बढ़ता है गीली रोटी के साथ। और जब आप गीली जो है वो तूड़ी, गीली रोटी और पानी का इस्तेमाल करेंगे वंडे के अंदर, जो और साथ में आप किलो ये जो वंडा है मिक्स वंडा उसमें देंगे जानवरों को, तो आप अपने जानवरों के हिसाब से इसकी मकदार जो है वो सेट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें तूड़ी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपने थोड़ा सा पट्टे डाल देने हैं थोड़े से टेस्ट चेंज करने के लिए। इसके साथ आपने गीली रोटी डालनी है जो एक दिन पूरा गीली रहे, और उसमें जो जिस पानी में आपने गीली की होनी है वो पानी जो है वो भी आपने वंडे के अंदर ही ऐड करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर से कोई सूढ़ी, चोखर, तूड़ी कोई भी चीज़ इसमें ऐड करें, उस चीज़ की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यही चीज़ एक किलो जो है वो दो किलो, एक किलो ये लेनी है और एक किलो तूड़ी लेनी है, और थोड़े से पट्टे और थोड़ी सी रोटियां जो अब इस्तेमाल करनी है अपने जानवर के लिए। आपके दो से तीन जानवर जो हैं वो इसे बहुत ही मज़े से खा जाएंगे, और देखेंगे कि आप वो 5 मिनट के अंदर अंदर बर्तन जो है वो आपका ये वो हाली कर देंगे माशाल्लाह। और इसको ऐसा ये नहीं मंडा है कि एक दिन खाएंगे दूसरे दिन इससे अक जाएंगे, बल्कि ये होता है कि एक दिन खाने से दूसरे दिन उनके अंदर जो एक होती है वो पंजाबी में खेचल कहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनमें बढ़ जाती है कि उनके पास आए वंडा और वो खाएं उसको। तो मेन ही हमारा काम यही होता है कि जानवर में एक खेचल सी पैदा करना कि वो खाने की तरफ भागें ना कि खाने से दौड़ें। तो जानवर भी वही रखने का मज़ा आता है जो कि खुद ही चीज़ मांगे और भूखों की तरह खाएं और पेट भर के खाएं। तो आप भी इस जो है वंडे का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जानवरों के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा, और उनकी सर्दी का असर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अक्सर जो है सर्दियों में बकरों को सर्दी लग जाती है, निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, तो उस वक्त भी आपने यही वंडा जो मिक्स वंडा है इसमें इसको इस्तेमाल करना। मैं दोबारा इन्ग्रीडियंट्स जब रिपीट करता हूँ, इसमें चोखर होता है, सूढ़ी होता है, तूड़ी होती है, और इसके अलावा खल होती है, गुड़ होता है, मकई होता है, गंदम होती है, बाजरा होता है, और काला चना होता है, दाल चना होती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो मिक्स करके, इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स करके, तो ये हमारे पास वंडा बनता है। तो माशाल्लाह बहुत ही जो है वो सेहतमंद बना देता है जानवर को, और जानवर के अंदर जो जितने भी उसका ग्रोथ रेट होता है उसको इंक्रीज़ करता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करता है, और सर्दी का असर भी ख़त्म करता है। तो माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद ये वंडा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ये वंडा ऐसे क्यों नहीं डाल देता, ये जो जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है मैं इसको ऐसे नहीं डालता हूँ। इसकी वजह यह है कि जब किसी भी जानवर का जो आप डाइट को अचानक से चेंज करते हैं, तो जब उसका डाइट प्लान अचानक चेंज होता है, तो उसके अंदर अब देखिए मैं अगर उसको पहले सादा वंडा खिला रहा हूँ या पट्टे वगैरह खिला रहा हूँ, मैं इसका इस्तेमाल अचानक से ऐसे ही शुरू कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि जानवर के अंदर जो बैक्टीरिया उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जानवरों के एंजाइम्स जो हैं उनकी इंटरनल बॉडी जो होती है उसके अंदर जितने भी सेल्स और एंजाइम्स होंगे वो उनका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा उनके। तो उनकी जब तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर एक समझ लें कि बैक्टीरिया की तादाद जब ज़्यादा हो जाती है तो वो बॉडी के अंदर जो है वो खास किस्म के कुछ मादे होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान का बायस बनते हैं, तो वो रिलीज़ करते रहते हैं। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतने ही ज़्यादा वो मादे रिलीज़ करेंगे, जिससे आपके जानवर को जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इवन कि आपके जानवर की सडन डेथ भी हो सकती है। तो आपने अपने जानवरों के लिए जो डाइट प्लान है वो बहुत ही मतवातर रखना है, जिससे कि आपके जानवर का जो है वो निज़ाम इन्हज़ाम जो है वो जो उसमें डिस्टरबेंस ना आए वो बिल्कुल ही ऐसे रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग रहे। तो मैं इसमें अभी तूड़ी और वो गीली रोटी का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि इसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी डिवाइड हो जाए, कुछ तूड़ी की मिक्स हो जाती है, कुछ गीली रोटी हो जाती है, कुछ पानी हो जाता है बीच में। तो वो ये है कि ये जो इसकी गर्म तासीर है वो ये है कि वो थोड़ी सी बांट दी जाती है तूड़ी के साथ और रोटी के साथ, क्योंकि वो एक डेली रूटीन में मैं डालता हूँ अपने जानवर को, और बीच में मैं ये मिक्स कर देता हूँ, थोड़े से मैं पट्टे ऐड कर देता हूँ टेस्ट के लिए भी, और इसकी तस्वीर को भी मैं डिफरेंट मिक्स करने के लिए भी जो है वो मैं चीज़ें जो है वो मिक्स कर देता हूँ, तो जिससे जानवर जो है उसका निज़ाम इन्हज़ाम बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है और जानवर बहुत ही मज़े से ये चीज़ खाता है। तो आप भी अपने जानवरों के लिए इस तरह के वंडे का जो है वो निज़ाम जो है वो यकीनी बनाएं, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके जानवर बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेहतमंद हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और उनको सर्दी से जो है वो निजात मिल जाएगी, सर्दी का जो उनके अंदर खात्मा हो जाएगा, जितना भी सर्दी का असर है वो इससे ख़त्म हो जाएगा।
और वो जो है माशाल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा खाना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है, डिहाइड्रेशन नहीं होगी जानवर के अंदर। जानवर जो है वो पानी बहुत ही ज़्यादा पेट भर के बार बार पियेंगे और डिहाइड्रेशन का जो उनका मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी ये वंडा चाहिए हो तो शरीर गोट फार्म की तरफ से आपको ये वंडा ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल है, हम आपको कार्गो करवा देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03034779594। इसके अलावा आप हमारा गोट फार्म जीराबाद आके विजिट भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि आपके जो दोस्त हज़रात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो भी हमारी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।